सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 66 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। और अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही खेला जाएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का बोलबाला रहा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 374 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। तो वहीं अब भारतीय टीम के बल्लेबाज तो फ्लॉप साबित हुए। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और फिर मयंक अग्रवाल, इन सभी ने भारतीय फैंस को निराश किया। हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ही दो ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ देर टिक कर बल्लेबाजी करी, परंतु भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सके। और आज इस वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में बात करने वाले हैं जो दूसरे वनडे मैच में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 146 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 79 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीते हैं, वहीं 52 मैच भारतीय टीम ने जीते हुए हैं। इस मैच में भारत के पास जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 53वीं जीत करने का मौका होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के खिलाफ अपनी 80वीं जीत जीतने का मौका होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण 10-1 में किया जाएगा। सोनी 10-1 में आप इसे इंग्लिश कॉमेंट्री के साथ देख सकते हैं, वहीं सोनी 10-3 में आप इसे हिंदी कॉमेंट्री के साथ देख सकते हैं। इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप सोनी लिव पर भी ले सकते हैं। और साथ ही अब बात करें सिडनी क्रिकेट स्टेडियम के पिच की, तो आपको बता दें दोस्तों कि सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहती है। ये विकेट पूरी तरह से फ्लैट रहता है और पहले वनडे में इस बात का नमूना आप देख ही चुके हैं, क्योंकि जहां ऑस्ट्रेलिया ने 374 रन बनाए तो भारतीय टीम ने भी 308 रन बना ही दिए थे। बल्लेबाज इस पिच पर बल्लेबाजी का जमकर आनंद लेते हैं। गेंदबाजों के लिए ये विकेट मदद नहीं करती है, इसलिए ये मैच एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। दोस्तों, जैसा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले वनडे मैच में किया था, उसे देखकर तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वही प्लेइंग 11 मैदान में उतारेगी, परंतु भारतीय टीम में कुछ बदलाव हुए हैं। दोस्तों, पहले वनडे मैच में जहां गेंदबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था, तो इसलिए आप सभी को बता दें कि वनडे क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी की जगह नटराजन नाम के गेंदबाज शामिल हुए हैं। रोटेशन पॉलिसी के चलते मोहम्मद शमी को इस मैच में आराम दिया जाएगा और उनकी जगह लेंगे नटराजन। दोस्तों, नटराजन एक बेहद शानदार गेंदबाज हैं। उन्होंने आईपीएल में दिखा दिया था कि वो भारतीय टीम के लिए एक अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि मोहम्मद शमी की जगह लेकर वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहले वनडे मैच में हार्दिक पांड्या को एक कैच करते समय चोट लग गई थी। अब उस चोट को मद्देनजर रखते हुए विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या को आराम दिया है। उनकी जगह टीम में शामिल होंगे मनीष पांडे। और साथ ही पहले वनडे मैच में देखा गया था कि यजवेंद्र चहल भी चोटिल हो गए थे, उनकी जगह टीम में शामिल हो सकते हैं कुलदीप यादव। और इन तीन बड़े बदलावों के साथ ही टीम इंडिया इस मैच में उतरने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर भी आ रही है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से बातचीत करी है और उन्हें उसके लिए रवाना करने के लिए तैयारी कर रही है। तो रोहित शर्मा की वापसी होना ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा कब भारतीय टीम में वापसी करते हैं। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, वहीं मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और मनीष पांडे। ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे रविंद्र जडेजा, स्पिन गेंदबाजी करेंगे कुलदीप यादव, तेज गेंदबाजी करेंगे नटराजन, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, ये तो थी भारत की प्लेइंग 11, परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में रोहित शर्मा की वापसी होनी चाहिए या नहीं, और ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 375 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़ दिए थे। हालांकि इसके बाद 101 रन के स्कोर पर भारतीय टीम अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन 5वें विकेट के लिए हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने 150 रन की बेहतरीन साझेदारी की। हालांकि इस साझेदारी के टूटते ही भारत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गईं। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 308 रन ही बना पाई।
भारत के लिए सबसे ज्यादा 76 गेंदों पर 90 रन की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली, वहीं टीम के लिए 86 गेंदों पर 74 रन की पारी शिखर धवन ने खेली। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज इस मैच में हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी उसने सभी का दिल जीत लिया, और इस शर्मनाक हार के बाद हार्दिक पांड्या भी कहीं ना कहीं बेहद निराश दिखाई दिए। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने इस हार पर अपना बड़ा बयान भी दिया है, साथ ही इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इस सीरीज में हमारी शुरुआत जिस तरह से हम चाहते थे वैसी नहीं हुई, मुझे बल्लेबाजी कर बहुत अच्छा लगा, मैं काफी समय से ऐसी एक लंबी पारी के इंतजार में था। दोस्तों आपको बता दें कि इस पारी के लिए हार्दिक पांड्या के फैंस ने भी उनकी सराहना की है। तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इस हार पर अपना बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हमारी टीम की गेंदबाजी बेहद खराब रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 300 या उससे कम स्कोर पर रोक देते तो शायद इस मैच में आसानी से जीत हासिल कर लेते, परंतु आज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करी और हमारे गेंदबाजों की एक न चलने दी। अगले मैच में जरूर हम वापसी करेंगे। और अपनी भारतीय टीम के बल्लेबाजी पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि आज हमारी टीम के बल्लेबाज बेहद जल्दी आउट हो गए, हमारी टीम हाल ही में आईपीएल खेलकर आई है तो शायद इसी का दबाव था, वो बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में जल्दी से अपने विकेट गवा बैठे, अगर शिखर धवन और मैं थोड़ी देर और टिककर बल्लेबाजी करते तो शायद मैच को और क्लोज ले जा सकते थे, साथ ही इस मैच में शायद हम जीत भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने इसके बाद रोहित शर्मा को याद करते हुए बहुत सी बातें कही। हार्दिक ने कहा कि रोहित शर्मा हमारी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, और अगर वो इंजर्ड न होते तो शायद आज हमें एक अच्छी और शानदार शुरुआत मिलती, और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का टीम में न होना कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा जल्दी से जल्दी फिट हो जाए और भारतीय टीम में वापसी करें। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में खबरें उठी थी कि रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए, और मैच में एक बार फिर से देखा गया कि विराट कोहली की कप्तानी बेहद बेअसर दिखाई दी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसको भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में भारतीय टीम के हार के 5 सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूँ। भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है गेंदबाजी। जी हाँ, आज भारतीय टीम की गेंदबाजी बेहद ही ज्यादा खराब रही। जसप्रीत बुमराह जैसे महान गेंदबाज भी आज नाकाम रहे, उन्होंने 10 ओवर में 73 रन दिए। वहीं यजवेंद्र चहल तो आज बेहद ही खराब फॉर्म में नजर आए, उन्होंने 10 ओवरों में सबसे ज्यादा 89 रन दिए। तो वहीं शमी कुछ अच्छी फॉर्म में नजर आए, उन्होंने आज ऑस्ट्रेलियन टीम के 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और 59 रन दिए। हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय टीम की फील्डिंग। जी हाँ, आज पांड्या और शिखर धवन जैसे बेहतरीन फील्डरों ने स्टीव स्मिथ के कैच छोड़ दिए। हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय टीम की बल्लेबाजी। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली से बेहद ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो फ्लॉप रहे और 21 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, सभी को लग रहा था कि आज वो विराट कोहली की कमी को पूरा करेंगे, लेकिन वो मात्र 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने शिखर धवन के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन मैच जिता नहीं पाए। हार का चौथा सबसे बड़ा कारण रहा शिखर धवन और हार्दिक पांड्या का आउट हो जाना। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्दिक पांड्या और शिखर धवन इस मैच को बेहद ही आसानी से जीत लेंगे, लेकिन एडम जंपा ने दोनों ही खिलाड़ियों का विकेट लेकर ये मैच भारत की झोली से ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया और ये मैच भारतीय टीम हार गई। दोस्तों हार का सबसे बड़ा 5वां कारण है और वो है धोनी और रोहित का टीम में न होना। आज टीम में धोनी की कमी खली, क्योंकि केएल राहुल विकेट के पीछे से गेंदबाजों को दिशा नहीं दिखा पाए, क्योंकि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भारतीय गेंदबाजों को विकेट के पीछे से सलाह देते थे और केएल राहुल ऐसा करने में नाकाम रहे। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा को भी बेहद याद किया गया, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी आज बेअसर रही। कोहली ने इस मैच के प्लेइंग 11 में चयन सही नहीं किया, अपनी गेंदबाजी को सही तरीके से रोटेट नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों के विकेट नहीं निकाल पाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को देनी चाहिए या फिर नहीं?
इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों 375 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। पहले चार ओवर में ही मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने 50 रन जोड़ दिए थे। हालांकि मयंक अग्रवाल इसके बाद 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनको जोश हेजलवुड ने ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली को हेजलवुड ने 21 रन पर फिंच के हाथों कैच आउट करवा दिया, जबकि श्रेयस अय्यर भी हेजलवुड की गेंद पर 2 रन बनाकर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हुए। भारत को चौथा झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जो कि 15 गेंदों में 12 रन बनाकर एडम जंपा की गेंद पर स्टी